गुलाम रहीम नू मुड़ तो पैरोल मिली है। सुनारिया जेल तो एक महीने ले ही बाहर आया है डेरा मुखी राम रहीम। इस तो पहला भी एक बार पैरोल मिल चुकी है राम रहीम नू, ते हुन मुड़ तो राम रहीम नू पैरोल मिलन दी खबर आ रही है। और जानकारी मुताबिक सुनारिया जेल तो एक महीने ली बाहर आया डेरा मुखी राम रहीम। सुनारिया जेल तो हुन बाहर आ रहा है राम रहीम, जिस नाल उसनों पैरोल मिली है। उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम दे विच रहेगा राम रहीम, जो सूत्र जानकारी दे रहे ने। सवेरे 7 बजे भारी सुरक्षा विचाले उसनों बागपत लियाया गया। बलात्कार मामले में सजायाफ्ता है राम रहीम, और इस विचकार उसनों एक बार फिर तो पैरोल मिली है। इस तो पहला भी पैरोल जड़ी है राम रहीम नू मिल चुकी है, ते हुण एक महीने की पैरोल ते बाहर आए। सो राम रहीम नू एक बार मुड़ तो पैरोल मिलन की खबर है। इस वेले की अहम खबर आ रही है। दस दिए कि बलात्कार मामले के सजा याफ्ता है राम रहीम। सुनारिया जेल तो एक महीने लिए हुन डेरा मुखी जड़ा है वो उसको एक बार फिर पैरोल मिली है, बाहर आया है। और जो जानकारी सूत्रों तो मिल रही है, उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम विच रहेगा राम रहीम। सुरेंद्र सिंह साडे नाल जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, की कुछ जानकारी है, एक बार फिर तो पैरोल मिली है राम रहीम नू? जी, आपको बताना चाहेंगे, जो सच्चा डेरा सच्चा जो संचालक है राम रहीम, और जो दो साथियों और के रेप के मामले में यहाँ उम्र भर की सजा काट रहे हैं, और साथ में जो मर्डर पे भी उनके सजा मिली हुई है, तो उसमें भी सजा वो यहाँ पर सुनारिया जेल में काट रहे हैं। और हरियाणा सरकार एक बार फिर राम रहीम पर मेहरबान नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब चुनाव के दौरान उन्हें 21 दिन की पैरोल दी गई थी, और एक बार फिर एक महीने के करीब करीब बताया जा रहा है कि 32 दिन की इनको पैरोल मिली है। और आज 5:30 बजे के आसपास कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें जो पैरोल से बाहर लाया गया है। और बागपत जो आश्रम है उनका, वहाँ पर सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि उनको वहां ले जाया गया है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि जिस तरह से राम रहीम के ऊपर इतने संगीन आरोप हैं और उनको एक के बाद एक पैरोल जितनी जल्दी मिली है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल उठता है। बिल्कुल, सवाल उठना लाजमी है सुरेंद्र, जिस तरह के नाल कई अजिहे सजा याफ्ता ने जिन्होंने कई कई साल हो गए ने पैरोल नहीं मिली, और अजिहे विचकार लगातार हुण दूजी वार हाल ही जिस तरह तुसीं जानकारी दे रहे हो चोणा वेले पैरोल मिली सी, की जड़ा है इस नूं लेके आधार बनाया गया है जो पैरोल मिली? जी देखिए, अभी जो है आधार के अभी पता नहीं चला, क्योंकि एक जो पैरोल को लेकर जो हरियाणा सरकार ने बिल्कुल एक गुप्त रखा हुआ था, किसी को जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब सुबह जब इनको ले जा चुका था, तो जब ये खबर सामने आई कि राम रहीम को जो पैरोल एक महीने की दी गई है, और अभी इस बारे में जो जेल अधिकारी हैं या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इसकी जो पैरोल मंजूर की है, इस बारे में कुछ भी को कहने से मना कर रहे हैं। और अभी उसे बात करने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये है कि राम रहीम को एक महीने की पैरोल हरियाणा सरकार द्वारा दी गई है, और जिस तरह से जो पंजाब के चुनाव के दौरान ये हवाला दिया गया था कि सभी राम रहीम की जो पैरोल है वो सब कैदियों का जो अधिकार होता है उसके अनुसार दी गई, लेकिन जिस तरह से राम रहीम को पंजाब चुनाव के दौरान जो पैरोल दी गई थी सीधे सीधे जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए दी गया था, और अब एक महीने की जो पैरोल है, करीब पंजाब चुनाव को ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि एक जो कैदी है उसकी जो पैरोल की जो सीमा होती है वो साल में एक बार ही होती है, लेकिन जो राम रहीम को बार बार जो पैरोल दी जा रही है, दूसरी बार ये पैरोल मिली है, तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार है राम रहीम पर जो मेहरबान नजर आ रही है। बिल्कुल, सरकार की मेहरबानी बिल्कुल साफ नजर आ रही है हरियाणा सरकार की। सुरेंद्र, की किस तरह लगातार इन्नी जल्दी, जिस तरह तुम दस रहे हो कि नॉर्म है कि साल च एक बार ही पैरोल मिल सकती है, लेकिन इतने कुछ ही महीनों में दोबारा पैरोल मिलना साफ दर्शा रहा है कि सरकार किस तरह जड़ा है एक फायदा पहुंचा रही है राम रहीम नू पैरोल दे के। सुरेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राधा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सुरेंद्र, सरकार दी मेहरबानी सुरेंद्र, बिल्कुल साफ नजर आ रही है हरियाणा सरकार दी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राम रहीम को लेकर पहले भी हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि एक सामान्य कैदी को जिस तरह से वहां पर रखा जाता है, लेकिन जो रोहतक के सुनारिया जेल में स्पेशल उनके लिए जेल के को वार्ड बनाया गया है, और वहां पर सिर्फ राम रहीम रहते हैं, और उनकी सुरक्षा में काफी जो है जो जेल वार्डन है वो रखे गए हैं, उनकी जो सेवा में भी करीब 2-3 सेवादार लगाए गए हैं। और बात करें तो उनको हेलीकॉप्टर से जब उनको सजा सुनाई गई थी 2017 में, तो उन्हें हेलीकॉप्टर से यहाँ सुनारिया जेल में लगाया गया था, और वो सुरक्षा के हिसाब से हो सकता है, लेकिन उन्हें जैसे ही वो जेल में पहुंचे तो वहां पर जो पुलिस पीटीसी सुनारिया पुलिस है वहां गेस्ट हाउस है, वहां पर उनको रखा गया था करीब 2-3 घंटे बाद में। उसके बाद उनको जब मीडिया में ये खबर चली कि राम रहीम को वीआईपी ट्रीटमेंट, तो फिर उन्हें जेल में शिफ्ट किया गया,
तो कहीं ना कहीं जो शुरू से ही जो हरियाणा सरकार है, तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे दूसरे मंत्री हो, जो डेरे में जाते थे चुनाव के दौरान नमस्कार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो सारे की सारी जो बीजेपी सरकार है उस पर वोटों के लिए जो है काफी राम रहीम का जो अनुयायी है काफी पंजाब और हरियाणा। बिल्कुल, और ये साफ नजर आ रहा है सुरेंद्र के किस तरह नाल सरकार मेहरबान है, और ऐसी दे चलदे आ जड़ा है डेरा मुखी नूं 1 महीने की पैरोल होर दिती गई है, हाल ही विच पैरोल मिली सी, और एक बार फिर सरकार मेहरबान है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र फिलहाल दी सारी जानकारी दे लई। सो ए मिली पैरोल यकीनन कई तरह के सवाल भी खड़े करेगी, तो विरोधियों नूं भी एक मौका जरूर मिलेगा।